गुड इवनिंग चिल्ड्रन. अभी हम देखते हैं पार्ट 7 ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो यर फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120. तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म जो है 120 के फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, मतलब कौन कौन से नंबर से जिससे डिवाइड होता है वो फैक्टर्स निकालने हैं पहले 120 के. तो फैक्टर्स ऑफ 120 आर प्लस माइनस 1, दोनों भी पॉसिबिलिटीज में लेने, प्लस भी लेने माइनस भी लेने. प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 120. और आपको जितने भी लगते हैं वो सब फैक्टर्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड ये इसमें से सभी फैक्टर्स के लिए चेक करना है. इसमें सभी फैक्टर्स का एक एक बार वैल्यू रख के देखना है और देखना है कि इसके जीरोस क्या आता है, मतलब कौन से वैल्यू रखने पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है वो हमको चेक करना है. ठीक है, तो पहले हमने एक्स इक्वल्स टू वन रखा. आपका जनरली पहले ही दो में ही आ जाते हैं, प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू में आपको इतना सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, नहीं तो आप बोले कि इतने फैक्टर्स लिखे तो अभी सभी के लिए चेक करना है क्या, तो पहले दो में ही आ जाते हैं आपके. और थोड़ा ध्यान में रखो, जैसे प्लस माइनस अल्टरनेट रहा तो प्लस लेने की कोशिश करो, अगर सारा ही प्लस रहता है तो माइनस के साथ चेक करो. ठीक है, सो थोड़ा आप ट्रिक लगा के उसको सॉल्व करो. तो पी ऑफ वन रखा, एक्स इक्वल्स टू वन रखा, तो यह आ जाएगा वन क्यूब माइनस 23 इंटू वन स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन माइनस 120. तो यह आता है वन, यह आता है माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120. वन माइनस 22 होता है माइनस, वन माइनस 23 होता है माइनस 22, और 142 माइनस 22 होता है प्लस 22. तो माइनस 22 प्लस 22 आ गया जीरो. तो पी ऑफ वन रखने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया. तो p ऑफ 1 रखा अपने, प्लस 1 रखा तो इसका फैक्टर आएगा माइनस 1. तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, प्लस रखोगे तो माइनस आएगा, माइनस रखोगे तो प्लस आएगा. सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अभी इसको करते हैं लॉन्ग डिवीजन. वी अप्लाई लॉन्ग डिवीजन. तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 140 को डिवाइड करना है आपको x माइनस 1 से. तो सेम स्टेप, स्टेप 1 में क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो. तो एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया तो आया एक्स स्क्वायर. अभी एक्स स्क्वायर आ गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमको मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, चेंज साइन चेंज किया, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया माइनस 22 एक्स स्क्वायर. फिर देन वी हैव रोट ऑल द रिमेनिंग टर्म्स. अभी फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, माइनस 22 एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, माइनस 22 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, यह आता है माइनस 22x. अभी माइनस 22x क्वेश्चन लिख दिया, माइनस 22x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x. तो माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, चेंज द साइन, वी गेट 120x माइनस 120. नाउ अगेन डिवाइड द फर्स्ट टर्म 120x बाय द फर्स्ट टर्म x. सो 120x बाय x, सो xx गेट कैंसिल, वी गेट 120 एज अ क्वेश्चन. सो 120 एज क्वेश्चन. Now multiply 120 with x minus 1. So we get 120x minus 120. ठीक है, सो 120x minus 120. Change the sign, we get the remainder as 0. इसमें remainder 0 ही आना चाहिए आपका. Now by splitting the middle term, अभी जो factors आया, quotient आया x square minus 22x plus 120, इसको split करके आपको factors निकालने हैं remaining. तो इसमें प्रोडक्ट है 120, x square into plus 120, 120 x square प्रोडक्ट है, sum है minus 22. तो 120 के प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपका सम माइनस 22 आना चाहिए. तो हमने लिया माइनस 12 इंटू माइनस 10, माइनस 12 इंटू माइनस 10 किया तो 120 आता है, और इसको ऐड किया तो माइनस 22 आता है. तो हमने 120 के फैक्टर्स लिखे माइनस 12x माइनस 10x. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 22x को इसमें 122x स्क्वायर के प्रोडक्ट हमने फाइंड किए माइनस 12 इंटू माइनस 10. ठीक है, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट प्लस में है तो ये दोनों भी माइनस होने चाहिए क्योंकि सम हमारा माइनस में है. ठीक है, ठीक है, इसलिए दोनों भी माइनस में लिए हमने माइनस 12 इंटू माइनस 10. तो ये 120 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 120. और इसको आप ऐड करोगे माइनस 12 प्लस माइनस 10, इसको ऐड करो तो आता है माइनस 22. ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 22x को स्प्लिट किया माइनस 12x माइनस 10x. ये देख लो बराबर माइनस 22x आता है प्लस 120. अभी x कॉमन निकाला टर्म में से, दो टर्म का ग्रुप करो,
टर्म में से कॉमन निकाला एक्स, तो रहता है एक्स माइनस ट्वेल्व। ये माइनस साइन जो है यहाँ पे वही साइन लिख रही है। अभी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 120 है। 10 कॉमन निकाला तो x माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन आपको चेंज करना है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज करना है। अभी x माइनस 12 इज द कॉमन ब्रैकेट, सो x माइनस 12 कॉमन निकाला है तो दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 10। तो फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो फैक्टर्स आर, हमने पहला फैक्टर निकाला था x माइनस 1, और अभी दो रिमेनिंग फैक्टर्स निकाले x माइनस 12 एंड x माइनस 10। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक दिया था इसलिए इसमें तीन फैक्टर्स आने चाहिए, ठीक है। सो x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 12 आर द फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक गिवन पॉलिनोमियल। थैंक यू।